हेलो फ्रेंड्स, इस अभिजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल वॉयजर। तो अभी हम लोग हैं मनाली में और आज हम लोग मनाली से स्टार्ट कर रहे हैं घर वापस जाने के लिए। और कौन सा रूट से हम लोग वापस जाएंगे ये बाद में बताते हैं आप लोग को। मनाली में हम लोग थे होटल संडेला में, काफ़ी अच्छा होटल है, एकदम होमली होटल है। आप लोग अगर मनाली आए तो यहाँ पर ज़रूर रह सकते हैं। मैं इस होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके फटाफट यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट में ब्रेड टोस्ट और अंडा पोचा और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं गोप्रो पे। ठीक है, चलते हैं दादा, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। आप आइए कभी कलकत्ता। जय बजरंगबली। ये जो होटल संडेला का मालिक है ना, काफी अच्छा इंसान है। मतलब इतना अच्छा इंसान है कि कल हम लोग जब चाह रहे थे मार्केट घूमने के लिए, तो बोला कि दादा रुको, मैं भी चलूँगा आप लोगों के साथ, आप लोग अगर कुछ ख़रीदना है तो फिर बाहर का आदमी देख के यहाँ का दुकानदार आपको ठग सकता है, तो मैं चलता हूँ साथ में। तो अभी एक हादसा हो गया कि अभिषेक का बाइक का टायर पंक्चर हो गया। कोई नहीं, हो ही सकता है, अच्छा है कि होटल का सामने ही हुआ, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता रोड में होता। तो मतलब अभी तक हम लोग का ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग जो जो रास्ता से आए ना, वो सब रास्ते में अगर होता तो फिर हालत ख़राब हो जाता। देखिए ये टायर पूरा एकदम फ्लैट हो गया। तो अभी देखते हैं, कोई टायर पंक्चर मैकेनिक को बुलाते हैं और इसको बनवाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अभिषेक अभी रॉयल एनफील्ड आरएसए में फ़ोन किया और आरएसए से आ गया है, रॉयल एनफील्ड आरएसए से अभी टायर खोल रहा है। टायर खोल के ये आरएसए का जो आया है अजय जी, उनका साथ अभिषेक जा रहा है पंक्चर ठीक करवाने के लिए। पंक्चर ठीक करवा के लाने के बाद वो टायर फिट कर देगा। सो ये है अजय भाई, ये रॉयल एनफील्ड का आरएसए की तरफ से आए थे और हम लोग का बाइक को एकदम तुरंत ठीक कर दिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, पंक्चर हो गया ठीक और हम लोग निकलते हैं। काफी लेट हो गया, लगभग 2 घंटा लगा आरएसए को आने में, चक्का खोल के ले जाने में और पंक्चर ठीक करके लाने में। जय बजरंगबली। देखिए यहाँ पर पूरा सेव का मंडी लगा हुआ है। आलू बखारा कितना रुपया सेव? हाँ, इधर वाला कौन सा सेव है? साढ़े बॉक्स सड़ भी जाकर लेते जाते हैं। चलो चलो। तो यहाँ पर पूरा सेव का मंडी लगा हुआ था और फ्रेश एप्पल यहाँ पर मिलता है, लेकिन हम लोग तो बाइक राइडर हैं, हम लोग का
इससे कोई लेन देन है नहीं, कैसे करके लेके जाएंगे, जाते जाते सड़ जाएगा। सच में ये जो देख रहे हैं ना ऊपर में, ये जाने में डर लग रहा है, मतलब जब तक ये सब पत्थर खुल के नीचे गिर सकता है, सब भयानक है। और ये दोनों साइड में मेरा पूरा एप्पल का ट्री भरा हुआ है, सेव का पेड़। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एप्पल, ये देख लो, ये देखो, ये पूरा एप्पल भरा हुआ है। ये देखिए पूरा सेव का पेड़, देख रहा है कितना एप्पल, देखिए कितना एप्पल भरा हुआ है। देखिए पूरा रेड 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 एप्पल भरा हुआ है। और इधर भी ये पूरा एप्पल का बगीचा है, ये देखिए पूरा पेड़ में भरा हुआ रेड एप्पल। हम लोग को एक टोल प्लाजा नजर आया, सतर में इतना दिन ना टोल प्लाजा क्या हम लोग भूल गए थे। अगर आपको कुल्लू जाना है तो ये आगे एक छोटा सा ब्रिज, वो ब्रिज क्रॉस करके वो साइड में है कुल्लू, यानी कि वो मेरा राइट हैंड साइड में जो घर सब दिख रहा है ना, ये जो शहर दिख रहा है ये है कुल्लू। और हम लोग जाएंगे सीधा मंडी होके, मंडी होते हुए निकलेंगे। आप ये ब्रिज से भी जा सकते हैं, और अभी टाइम हो गया दोपहर का 2:30, और काफी जोर से भूख लग गया। आगे देख लेते हैं कोई ढाबा, अच्छा ढाबा देख के रुक के खाना खा लेंगे। और यहाँ से मंडी है 57 किलोमीटर, और मंडी का बाद हम लोग को शायद चौड़ा वाला हाईवे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर खाना खा लेते हैं। जबरदस्त भूख लग गया था, अभी हम लोग ढाबा में आ गए खाने के लिए, और हम लोग का खाना भी आ गया है, कश्मीरी दम आलू, मलाई कोफ्ता, लच्छा पराठा, और साथ में है थम्स अप और चिप्स भी है। और जो ढाबा में हम लोग खाना खाए ना, उसका पीछे का व्यू देखिए, एक नदी जा रहा है और सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। और इस जगह का नाम है बनारसा। अब यहाँ से निकलते हैं और फिर से हम लोग एक टनल के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये टनल ना कैसे अजीब टाइप का टनल है। अभी हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल, अटल टनल, ये सब टनल से जब गुजरे, उसके बाद ये टनल कैसे अजीब टाइप का लग रहा है, और देख के तो लग रहा है कि काफी लंबा टनल है। अब अटल टनल जैसे लंबा नहीं है, लेकिन लंबा है, चलो कम से कम 3-4 किलोमीटर का टनल है ये। चलो अब जाके बाहर निकला टनल का, चलो ये भी सही है। और शायद यहाँ पर भी एक टनल था जिसका गेट अभी बंद है। और ये डोली देखिए कितना खूबसूरत सा है, मतलब दो रस्सी है
और बीच में डोली लटक रहा है। आप ये रस्सी को इधर टाल लीजिए डोली में बैठ के, और फिर वो रस्सी को टानते टानते उधर पहुंच जाइएगा। उधर से अगर आना है तो ये रस्सी को टान के इधर आ जाइएगा। कमाल का है। भयानक लैंडस्लाइड हो गया, ये देख लो, ये पूरा पत्थर ऊपर से नीचे आके गिरा है। ये भयानक लैंडस्लाइड हो गया, मतलब ये भारी भरकम लैंडस्लाइड है। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना पहाड़ टूट गया। अगर सोच लो ये जब गिरा होगा, यहाँ से अगर कोई गाड़ी जाता होगा उसका क्या हालत हुआ है। खैर कोई टूटा फूटा गाड़ी तो नज़र नहीं आ रहा है। इस साल उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है और अभी भी हो रहा है। ये सब पता है क्यों हो रहा है? ये सब का कारण हम लोग हैं। हम लोग तो खूब खुश हो रहे हैं कि पहाड़ों को काट काट के चौड़ा चौड़ा रोड बना दे रहा है, हम लोग को ट्रैवल करने में कितना सुविधा हो रहा है। लेकिन पहाड़ों को जब काट रहा है ना, तो पहाड़ का जो जड़ होता है वो जड़ से काट दे रहा है, और उसी का वजह से ये सब हो रहा है। मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर अगर किसी पे आ गिरा तो वो इंसान रहेगा, वो तो पूरा चूरन बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया, नेचर का साथ मत खेलो। अगर नेचर तुम्हारे साथ खेलने लगे ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सो एट लास्ट हम लोग को चौड़ा वाला हाईवे मिला। मतलब इतना देर से भयानक हालत हो गया था, और यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 171 किलोमीटर। कितना दिनों का बाद पहाड़ों से नीचे प्लेन में आया, और अभी वो दूर में पहाड़ नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले वही सब पहाड़ों में हम लोग थे। तो अभी लगभग हम लोग बिलासपुर पहुंच गए, और यहाँ से 10 किलोमीटर में है बिलासपुर। बिलासपुर में जाके थोड़ा रुकेंगे 10 मिनट, थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से चंडीगढ़ है 146 किलोमीटर। अभी क्या होता है कि माइलस्टोन कुछ और कहता है और गूगल मैप कुछ और कहता है। गूगल मैप कह रहा है कि 128 किलोमीटर, माइलस्टोन कह रहा है 146 किलोमीटर। अब किसको माने? खैर जो भी है, इसका बीच में कोई है, कुछ है, मतलब हो सकता है कि 46 या फिर 28 या फिर बीच में कुछ। तो लगभग हम लोग को 100 किलोमीटर के ऊपर अभी और चलाना है। अभी हम लोग हिमाचल क्रॉस करके पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। ये है हिमाचल पंजाब का बॉर्डर, और अभी टाइम हो गया रात का 11:10। मतलब इतना टाइम लग गया हम लोग को आने में, रास्ता काफ़ी ख़राब था। इस टाइप का हाईवे अगर मिल जाता ना, तब कब का हम लोग पहुंच जाते। लेकिन पूरा पहाड़ी वाला रास्ता था, गोल 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 घूम के रास्ता था। अभी भी पहाड़ी रास्ता है, लेकिन रास्ता काफ़ी चौड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। ओ भाई साहब, क्या बात है, तेल नहीं दीजिएगा? 24 घंटा लिखा हुआ वर्किंग आवर, रोड नहीं है। क्या पेट्रोल नहीं हो तो वहां पर तो दिखा रहा है। ये देखिए, ये है HP का पेट्रोल पंप, और लिखा हुआ 24 घंटा यहाँ सर्विस, वर्किंग आवर 24 घंटा। और यहाँ का जो स्टाफ है, ये हम लोग को तेल देने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है पेट्रोल है नहीं। ओ भैया थोड़ा तेल दीजिए, तेल। हाँ, क्या नहीं मिलेगा? हाँ थोड़ा दे दीजिए, एकदम तेल है नहीं गाड़ी में।
अजीब तरीका है यार ये सब। पेट्रोल पंप है ना, लिखा हुआ 24 घंटा सर्विस, लेकिन ये लेके थर्ड पंप है। हम लोग कोशिश किया, दरवाजा बंद करके, ये लोग सो रहा है, वहाँ लिखा हुआ 24 आवर सर्विस, और ये हाल है। इस पेट्रोल पंप का नाम है देखिए, कारगिल शहीद हव विक्रम सिंह फिलिंग स्टेशन। बताइए, और ये पांचवा पेट्रोल पंप में हम लोग आया। अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, हम लोग अभी लगभग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ से चंडीगढ़ 20-25 किलोमीटर है, और हम लोग एक ढाबा में रुक के थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स चाय वगैरह पी रहे हैं। अभी टाइम हो गया रात का 12 पक्का 12 बज रहा है। और लोग का फुल एनर्जी है, तो बाहर वाला रास्ता था, एनर्जी लॉस हो गया था, जब से मेन रोड मिल गया एनर्जी फुल हो गया। तो अभी देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं, जहाँ तक चल सकते हैं चलेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए। और ये देखिए एक गुरुद्वारा, मतलब रात का व्यू गुरुद्वारा का। हम लोग चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। चंडीगढ़ कहाँ पर जाना है ये तो बताने चाहेंगे, नहीं तो आगे जाके क्या है कि आगे से एक रोड ऐसे घूम रहा है, वही हाँ आगे थोड़ा जाइएगा ना तो ऐसे रोड घूम जा रहा है, तो वही चंडीगढ़ का रास्ता है। मतलब 12 घंटा का ऊपर हो गया हम लोग राइड कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग ना लद्दाख से आए हैं, मतलब ऊपर पहाड़ से आए ना, फुल ऑफ एनर्जी लेके आए हैं, फ्रेश ऑक्सीजन और एकदम पूरा एनर्जी, एकदम एनर्जी का पूरा बार लेके आए हैं हम लोग। और अभी बज रहा है टाइम 3, और हम लोग हरियाणा इन कर रहे हैं, पंजाब छोड़ के हरियाणा इन कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, यहाँ से दिल्ली है 186 किलोमीटर, करनाल 57 किलोमीटर, और कुरुक्षेत्र है 28 किलोमीटर। आज काफ़ी लंबा राइड करके हम लोग आ पहुँचे हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस में। अभी हम लोग हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोल्डन हट बोल के एक रोड साइड होटल है, एक ढाबा है, ढाबा का साथ में मेरा पीछे देख सक रहे हैं एसी रूम, मतलब यहाँ रूम भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग एक रूम ले लिए, क्योंकि अब क्या है कि काफ़ी नींद आ रहा है। आज हम लोग डिनर भी नहीं किया था, क्योंकि अगर खाना खा लेते तो नींद ज़बरदस्त आ जाता, और ऐसे भूख भी नहीं लग रहा था, कुछ कुछ खा लिया था। तो अभी यहाँ पर हम लोग रूम ले लिया, नहा लिया, नहा कर फ्रेश हो लिया, अभी जा रहे हैं कुछ खाना खाएंगे, खाना खा के सोएंगे, उसके बाद देखते हैं नींद कब तक टूटता है, नींद से उठ के फिर राइड शुरू करेंगे। Prepare to die.